पिछले हफ्ते आए बर्फीले तूफान के कारण बिना बिजली तो गुजारा करने लिए मजबूर हजारां कैनेडियन पिछले हफ्ते आए बर्फीले तूफान के कारण ओंटारियो ते क्वेबेक के कई लोगों को बिजली तो बिना ही गुजारा करना पै रहा है। हाइडोरो क्वेबेक अते हाइडोर विंडे दे क्रूज दे वल्लों बिजली बहाल करन दी लगातार कोशिश किए जाने के बावजूद हजारा कैनेडियनज नूं इक होर दिन ठंड के हनेरे विच कट्टण दे लई मजबूर होना पै रहा है। सोमवार शाम तक इस इलाके दे विच 42,000 ग्राहकां अते विंडे दे विच 11,000 ग्राहकां नूं बिजली तो बगैर ही समा टपाउणा पै रहा है। इसे दौरान न्यूयॉर्क दे विच भी इस तरह की ही स्थिति बनी हुई है। तूफान की मार के कारण बहुते लोग बिजली तो बेहाल हैं। कंपनी का आखना है कि पिछले 25 सालों में प्रोविंस से आए तूफानों के सब तो मारू सी। कंपनी ने यह भी दसा है कि सोमवार शाम तक सारिया कोशिशों के बावजूद 300 ग्राहकों के लिए बिजली सप्लाई चालू नहीं की जा सकती। हाइडोरो विंड वालों दसाया गया है कि तूफान शुरू होने तो लैके हुण तक 4,30,000 ग्राहकों के लिए बिजली सप्लाई चालू की जा चुकी है, पर एजेंसी का आखना है कि सड़क बंद होने के कारण उन्होंने अलमे को काम करने में दिक्कत पेश आ रही है। इसे दौरान इंप्रूवमेंट कैनेडा के वालों रीजन के कई इलाकों में मंगलवार दोपहर तो बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। गल करांगे अगली खबर बारे। हैगरेसविल के नेड़े शूटिंग विच पुलिस अधिकारी की हुई मौत, दो मशूकों को गिरफ्तार किया गया। एक साल पहला ओंटारियो प्रोविंस शील पुलिस के वलों जूनियल करन वालियां दे 28 साल पुलिस अधिकारी दी हैगरेसविल ओंटारियो दे विच मंगलवार दोपहर नूं गोली लगन दे कारण मौत हो गई। इस संबंध में दो मशूक नूं हिरासत दे विच भी लिया गया है। यह शूटिंग इंडियन लाइन दी कलैक्शन दे विच 14 इंटर सैक्शन उत्ते हुई है। ओबीबी कॉन्सटेबल दे वल्लों दस्सिया गया है कि कॉन्सटेबल गैरेज नूं इक गड्डी दे गड्ड विच डिग्गे जाण दी खबर मिली सी। जदों उह उत्ते पहुंचिया तां गड्डी विच सवार दो व्यक्तियां दे नाल उहनां दी तकरार हो गई। मशूक दे वल्लों उहनां नूं गोली मार दित्ती गई। उह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया। उसनूं हस्पताल लिजाया गया जिथे उसनूं मृत ऐलान किया गया। मशूक एक गड्डी विच मौके तो फरार हो गए। इस तो बाद दो होरना नूं उन्हां जिन्हां ने एक पुरुष अते एक महिला शामिल सी उन्हां दी भाल शुरू की गई। पुलिस दे वल्लों अलर्ट भी जारी करके इलाका वासियां नूं दस्सिया गया कि मशूक हथियारबंद हो सकते हैं। पुलिस दे वल्लों दो तस्वीरां जारी कीतियां गईयां हन, पर उन्हां चों पछाण सिर्फ एक 25 साल रेंडरल मैचकी दी होई है। बाद दे विच मशूक नूं गिरफ्तार किए जाण मगरों अलर्ट हटा दिता गया। गल करांगे अगली खबर बारे। छुरेबारी की घटना में एक जख्मी। सोमवार दोपहर नूं स्कैरबो दे विच वापरी छुरेबारी की घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। उसनूं इलाज दे लई हस्पताल लिजाया गया। टोरंटो पुलिस ने दस्या है कि यह घटना एक वेन्यू ईस्ट एरिए दे विच मार्कम रोड के नेड़े तेड़े वापरी है, जो कि एक रिहायशी बिल्डिंग के नेड़े वसदी है। दोपहरे 2:30 बजे के नेड़े तेड़े इस घटना नूं अंजाम दिता गया। अधिकारियों नूं यह जानकारी मिली कि इस इलाके दे विच एक व्यक्ति नूं छुरा मार दिता गया है। उसनूं तुरंत हस्पताल पहुंचाया गया। पहला पुलिस ने दसिया कि जख्मी व्यक्ति की स्थिति के बारे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, पर बाद विच उन्होंने दसिया कि उसकी हालत हुण खतरे तो बाहर दसी जाती है। इस उपरांत तो उस व्यक्ति नूं चूरा क्यों मारिया गया इस बारे हजे तक कोई भी जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने अगे आख्या कि उन्होंने वालों मामले की जांच की जा रही है, पर अजे तक किसी भी मशूक के बारे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। गल करांगे अगली खबर बारे। फार्मेसी लुट्टण दे कोशिश करन वाले तीन मशूक किते गए काबू। मंगलवार सवेरे गन दी नोक उत्ते इंडिकोपो दे फार्मेसी नूं लुट्टण दी कोशिश करन वाले तीन मशूकां नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दस्सिया है कि उन्हां नूं दुपहरे 12 बजे दे नेड़े तेड़े एक ईस्टर्न एरिया दे नेड़े तो हथियारबंद लुटेरियां दे वल्लों फार्मेसी नूं लुट्टण दी खबर मिली। तुरंत पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंच गए, पर तीन मशूक एक गड्डी विच मौके तो फरार हो गए। पर बाद विच उन्हां नूं हाईवे 27 ते क्वीन पैल्स दे ड्राइवे दे एरिए काबू किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने तो हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के वालों मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में अजे तक हाले होर कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई। गल करांगे अगली खबर बारे। बर्फीले तूफान के विच किरिया अमरीका, बाइडन ने किया न्यूयॉर्क च एमरजेंसी का ऐलान।
अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क सूबे में एमरजेंसी का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जानकारी दी। बयान के मुताबिक अज राष्ट्रपति जोसफ आर बाइडन जूनियर की घोषणा न्यूयॉर्क राज एमरजेंसी की घोषणा की है। 23 दिसंबर 2022 शुरू होए बर्फीले तूफान के नतीजे वजो पैण होने वाली संकटकालीन स्थितियों के कारण राज स्थानिक प्रतिक्रिया यत्नों पूरक करने के लिए संघी सहायता का आदेश दिया गया है। बयान में अगे कहा गया है कि राष्ट्रपति की कार्रवाई होमोसाइट सिक्योरिटी विभाग के अते फैडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी उन्हां सारे आफत रहत यत्नों के तालमेल करने के लिए आधारित की है। उन्होंने उद्देश्य स्थानिक आबादी और एमरजेंसी के कारण पैदा हुई मुश्किलों दूर करना दुख को घट करना लोड़ींदे संकटकालीन उपायों तो उचित सहायता प्रदान करना है। पहलां दीआं रिपोर्टां दे विच कहा गया सी कि घट्टो घट 12 राज जिवें कि नेड़ले लगते इलाकों जिथे भारी बर्फबारी हो रही है जिस न्यूयॉर्क और मिशिगन भी शामिल है। तुहानू दस दिए कि कुल 50 लोगों की मौत हो गई है इस बर्फबारी दे विच। उत्तर पूर्वी न्यूयॉर्क राज दे बेफोलो शहर दे विच हफ्ते के अंत तक 1 मीटर तो वध बर्फ डिगण के कारण सब तो वध मौतां होईयां हन। गल करांगे अगली खबर बारे। अमरीका दे ओटाहा ते मिसिसिपी राज्यां दे स्कूलां दे सिलेबस दे विच सिखां दे बारे पढ़ाई नूं कीता गया शामिल। सिख भाईचारे दे लई उस वेले खुशी दा कोई टिकाणा नहीं रहा जदों उन्हां नूं इह जानकारी मिली कि अमरीका दे दो होर राज्यां ने स्कूल दे सिलेबस विच सिखां दे बारे पढ़ाई नूं शामिल करन दा फैसला कीता है। ओटाहा अते मिसिसिपी राज्यां दे नवें समाजिक सिक्ख्या दी किताब दे विच सिक्खी अते सिख धर्म नूं शामिल करन दे हक विच वोट पाई गई है। ओटाहा अते मिसिसिपी अमरीका दे क्रमवार दे विच 15वें अते 16वें राज बन गए हन जिन्हां ने हाल ही दे विच सिक्खां बारे पढ़ाई नूं सोशल स्टडी दी किताब दे विच शामिल कीता है। हुण अमरीका दे विच पढ़दे 2.5 करोड़ तो वध विद्यार्थी सिखां दे अमीर विरसे सिखां दी रवायतां अते कदर कीमतां दे बारे जाणू हो सकणगे। नवें घटनाक्रम दे सिट्टे वजो ओटाहा दे विच पढ़दे 6 लाख तो वधेरे विद्यार्थी अते अंदाजाजन 4,57,000 विद्यार्थी सिखां दे बारे पढ़ सकणगे। सिख भाईचारे ने ओटाहा अते मिसिसिपी राज्यां दे विच सिखां दे बारे पढ़ाई नूं समाजिक सिक्ख्या दी किताब विच शामिल करन दा जोरदार स्वागत कीता। इन्हां राज्यां दा धन्नवाद वी कीता गया है। गल करांगे अगली खबर बारे। भारतीय अमरीकी भाईचारे ने मन्या वीर बल दिवस। भारतीय अमरीकी भाईचारे ने जिथे पहला वीर बल दिवस मनाया ते 10वें सिख श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 4 साहबजादियां दी कुर्बानियां नूं याद किया। गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहबजादियां बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह दा शहीदी दिहाड़ा वीर बल दिवस वजों मनाया जाता है। जिन्हां ने अपने धर्म की राखी दे लई अपनी जाना निछावर कर दित्तियां सन। इन्हां ने 9 जनवरी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर नूं वीरबल दिवस वजों मनाउण दा ऐलान कीता सी। भारतीय दूतघर दे वल्लों सोमवार नूं इत्थे अपनी आते दे विच आयोजित एक समागम दे दौरान 4 साहिबजादियां दे जीवन दे बारे एक डिजिटल प्रदर्शनी दी वी लगाई गई। अपने बयान दे विच उपराज दूत श्री प्रिया रागानंद दे वल्लों सिख त्यौहार नूं मनाउणे देण दे लई भारत सरकार दीआं वख-वख पहलकदमियां दी रूपरेखा दसी। उन्हां ने करतारपुर लांघा खोलण दा जिक्र कीता जो पाकिस्तान दे लाहौर नेड़े गुरद्वारा दरबार साहिब नूं पंजाब दे गुरदासपुर जिले दे गुरद्वारा डेरा बाबा नानक नाल जोड़दा है। गल करांगे अगली खबर बारे। स्ट्रीट पार्टी दे विच शामिल होए लोकां दे विच चढ़ी बेकाबू कार 36 नूं दाड़िया 7 लोकां दी हुई मौत। दक्षिणी नार्जिया दे विच मंगलवार नूं एक बेकाबू कार स्ट्रीट पार्टी दे विच पहुंचे लोकां दे नाल टकरा गई जिते 7 लोकां दी मौत हो गई है जदकि कई होर जख्मी पाए गए हन। अधिकारियों ने एक एसोसिएशन प्रेस दे विच इस बारे बयान जारी करते हुए दस्सिया कि नार्जिया दे फैडरल रोड सेफ्टी कोर मुताबिक रिवर दी राजधानी कैलाबेर दे विच लोग बाइकर्स परेड देखने दे लई इकट्ठे हुए सन। उदों सड़क दे ड्राइवे दे कार दे नाल कंट्रोल गवा दिता। वह भीड़ दे नाल जा टकराई। इस विच काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। वड्डी गिणती दे विच इस स्ट्रीट विच मन्या जाता है कि सड़क सुरक्षा कोर दे मुखी हसन ने दस्सिया है कि हादसे दे समय कार दी रफ्तार बेहद तेज़ सी
उन्होंने कहा कि कार बेकाबू होकर भीड़ के टकरा गई। कुल 36 लोग उन्होंने चपेट के आए हैं, जिन्हें 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 29 लोग जख्मी पाए गए हैं, जिन्होंने नेड़े ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। इस उपरांत उन्होंने अगे दस्सिया है कि रिवर के गवर्नर ने परेड को रद्द करन अते ड्राइवर को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी किया। गल करांगे अगली खबर बारे। जापान का नवा ऐलान, चीन तो आने वालों के लिए कोविड टैसट होगा लाजमी। जापान के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि चीन के कोविड 19 के बढ़ रहे केसों विरुद्ध सावधानी वजो शुक्रवार तो देश के आने वाले सारे सैलानियों के कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की लोड़ होगी। महत्वपूर्ण गल यह है कि जापान के इस ऐलान तो पहला एक दिन विश्व सेहत संगठन ने कहा चीन दे वल्लों जीरो कोविड नीति ते अचानक ढिल दिते जाण तों बाद ओह देश भर दे विच इन्फेक्शन दे तेजी दे नाल वध रहे मामलियां नूं लै के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हन। कशीदा ने दस्सिया है कि कोरोना वायरस नूं लै के चीन दे तरफों जानकारी अते बर्दाश्तरी की घटना कारण सुरक्षा उपायों की निर्धारित करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय अते स्थानिक अधिकारियों तो प्राप्त सूचनावां अते सरकारी अते निजी संस्थावां तो प्राप्त सूचनावां विच भारी अंतर हुंदा है। उन्होंने अगे आख्या है कि जापान विच चिंता वध रही है, असीं स्थिति के मद्देनज़र अस्थाई विशेष उपाय करन दा फैसला करदे हां। जापान दे देश दे विच साल दे अंत अते नवे साल दीआं छुट्टियां दे दौरान जश्न त्यौहार अते मुलाकातां दे कारण संक्रमण फैलण दी संभावना दे मद्देनज़र शुक्रवार तो नवे नियम लागू किए जाएंगे। गल करांगे अगली खबर बारे।